बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त का कद फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा है। उन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है। एक्टर ने यूं तो रोमांटिक फिल्में की हैं और उन्हें जाना भी रोमांटिक फिल्मों के लिए जाता है, मगर इससे अलग वे कुछ डाकू का रोल भी प्ले करते थे। एक्टर की पुण्यतिथि पर आज उनके करियर से जुड़ी कुछ बातें। सुनील दत्त ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1995 में रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म से की थी। मदर इंडिया और साधना जैसी फिल्में करके उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद साल 1963 में उन्हें मुझे जीने दो नाम की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म में वे पहली बार डाकू के रोल में नजर आए। फिल्म में उनके रोल की खूब प्रशंसा की गई। सुनील दत्त ने उस समय अपने करियर की शुरुआत ही की थी। उन्हें इंडस्ट्री में आए अभी सिर्फ 6 से 7 साल ही हुए थे। उन्होंने एक लीड एक्टर के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश ही किया था कि अचानक उन्हें एक डाकू बनने की ठान ली।